Sonotec Cassettes. Yeah.
बोलो माँ भवानी की जय, सरस्वती माता की जय, स्वर्ग श्री नथी सिंह परमंदरा वाले गुरुदेव की जय। हाँ तो देखिए सज्जनों, हमसे बड़ी उम्र वाले हमारे इस भारत देश के उज्र को आशीर्वाद देने के योग महाविद्वान लोगों, मैं हरिराम गुजर, गांव अलावड़ा अलवर राजस्थान, इस भारत देश के गुणी मनुष्यों के चरणों में अपना नमन करते हुए नल पुराण जो हमारे हिंदू सांस्कृतिक रीति के 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में एक नल पुराण भी शामिल होता है जिसमें 4,44,032 संस्कृत के श्लोक हैं। उस नल पुराण के माध्यम से सत्यवादी राजा नल की कथा कहने के लिए जा रहा हूं। इस देश के महान विद्वानों, इस देश के गुणी पुरुषों और राधा सीता अनसुईया जैसी पतिव्रत धर्म के आंचल में पलने वाली मात्र शक्ति हमारी माता बहने, प्यार करने के योग बच्चों और भारत देश के महान संगीतकार सबके लिए मैं हरिराम गुजर अपनी ओर से नमन करता हूं। सज्जनों, मेरी कथा में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो अपना भैया समझ करके क्षमा करेंगे। और आज नल पुराण इतिहास के माध्यम से हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं कि जिस समय राजा नल के माता पिता यानी महाराज वीरसेन, जिसको प्रथम राजा के नाम से पुकारा जाता था, और रानी मंझा, हमने सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से आपकी सेवा में ढोला फिल्म भेजी है। पहली कैसेट में हमने आपके लिए बताया था कि जब राजा नल ने ब्राह्मण बन के अपने पिता के यहां वो नल की कथा सुनाई थी तो पूरा परिवार जब से रानी मंझा को देश निकाला हुआ वनवास हुआ उसमें वहां एकत्रित हो जाता है। अच्छा, अपनी बहू गजमोतनी को लेकर के रानी मंझा को सेठों को यहाँ से बुला लिया गया। ठीक बात। अब एक बात सोचिए, 20 वर्ष बाहर रही रानी मंझा, आ जाई है भगत के। महाराज वीरसेन महाराज प्रथम ने सोचा, अरे कृतम स्मरम वेदहा, वेद का मंत्र है, अरे मनुष्य तू तेरे किए हुए कर्म पर विचार कर ले, क्या तू विकास की बजाय विनाश को तो नहीं जा रहा है? अगर तूने किए हुए कर्म पर विचार कर लिया तो तेरा सुधार अवश्य हो सकता है, और अगर तूने किए हुए कर्म पर विचार नहीं किया तो कदापि जीवन में तेरा सुधार नहीं हो सकता। बिल्कुल। मेरे श्रोताओं, मेरे भाई बहनों, आज महाराज अपना पश्चाताप के क्षमा याचना करने के लिए महारानी मंझा के महल में जाते हैं। अच्छा जी, महल में पहुंचे महारानी मंझा। हाँ। अरे जैसे देवियों में पतिव्रता, तारों में ध्रुव तारा, मणियों में रत्नों में मणि, हाथियों में एहरापत, देवताओं में देवराज इंद्र और मनुष्यों में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र या सत्यवादी राजा नल, ऐसे महान वीरतत्व को लेकर के आज वीरसेन महाराज रानी मंझा के महलों में। अच्छा, पतिव्रता लक्षणम, पतिव्रताओं के ये लक्षण हैं, सदा अपने पति का सम्मान किया करते हैं, अपने पति का आदर करते हैं। जैसे महाराज वीरसेन महल में पहुंचे हैं, महारानी मंझा ने पलंग बिछाया। अच्छा। और अपने पति के चरण छुए, प्रणाम किया है और हाथ जोड़ करके इशारा दिया विराजिए महाराज। लेकिन क्या हुआ फिर? भूल तो भूल होती है। कैसे है? कैसे है भूल? महाराज प्रथम राजा कहते हैं, रानी मंझा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे हमने एक ब्राह्मण की बातों में आकर के तेरे जैसी पतिव्रता रानी को वनवास दिया, इतने दिन बाद हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आज हमारो मन ऐसो करे है रानी। कैसो? बच्चे अजय पाल की सुता कराए दे भोजन तेरे हाथन। रानी 20 वर्ष हो गए तुझे विपता के अंतर्गत, आज हमारा दिल चाहता तेरे हाथ से भोजन बना करके हमें भोजन कराओ। आहा। लेकिन इतनी बात को सुनकर तो रानी मंझा 7 कदम पीछे हट गई। क्यों? और कहने लगी, प्राणनाथ प्राणपति। क्या कहने लगी? ऐसे बोली लगी, बताइयो।
मतलब की और क्या जल्लादन देख व्यो है मेरो है एक महाराज क्या बोली मैं आपको भोजन कराने के योग नहीं मेरा यह शरीर जल्लादों से छिपे क्या बोली है बताइयो पति मो जन्म जरी कर तेरे पिया मेरे जन्म जरी के कर ली जो दूर थे दो दो बार ए पिया जन्म जरी के अरे जन्म जरी के डोरा जन्म जरी के कर ली जो दूर थे छिपे जब काम सतावे क्या बात है डर के ध्यान सुनो मेरे भैया सोना टेक में हरी राम गावे रानी मंझा बोली है क्या बोली है अरे भोजन कैसे करवाऊं हो भोजन नाए भैया मच्छर फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहे ऐसा नहीं हो सकता नहीं उड़ सकता है मच्छर की फूंक से पहाड़ कभी उड़े नहीं और हाथी नहीं गिरते हैं भेड़ की चपेट से भेड़ टक्कर मार के हाथी को गिराना चाहे हाथी नहीं गिर सकता बिल्कुल ना मच्छर की फूंक से पहाड़ कभी उड़े नहीं हाथी नहीं गिरता देखे भेड़ की चपेट से कौवा के उदर से हंसनाए पैदा होए
और शेर नहीं पैदा होए कुतियन के पेट से। क्या बात है। कामी पुरुष के वचन से सती नारी को ना सत दिगे। बेहा औरत घूंघट कब करत देखी जेठ से। कहे तो हरी राम चाहे ला कही कुसामद करो। गवारा आदमी तो मानेगो जूता की भेंट से। क्या बात। गवारा आदमी कब मानेगो? जब चांद पड़ेगी। ओ रही मैं तेरे मतलब जल्लादन के छिप गयो। से दो यखिया न सो पानी तुमने कर दियो काम कुतारो। जब से बेटा परो पेट में मोकू दे दियो देसा निकारो। पर गई मैं ऐसे फाटन में बेटा चलाव गयो काटन में। क्या बात है। पिया मैं समझा रही तो ये मेरे हाथ ते भोजन करनो चाहवे। बड़े लोगों ने कहा है। क्या कहा? दुनिया में बहुत से लोगों की तकदीर बदल दुनिया में बहुत से लोगों की तकदीर बदलती देखी है। तकदीर बदलती देखी है। और शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदल। शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदलती देखी है। शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदलती देखी है। देखिए सजनों बात तो ये है। दुनिया में बहुत से लोगों की तस्वीर बदलती देखी है। शीशा तो वही होता है मगर ये तो रानी मंझा कह रही है कि महाराज तुमने मुझे वनवास दिया और आज मेरे हाथ से भोजन करना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझा रही तो और मेरे हाथ से भोजन करना चाहो तो पहले गंगा में स्नान करा दो। मोय गंगा नहवा दो। राजा वीरसेन महाराज कहने लगे कि रानी अरे गंगा नहाने से क्या हो जाता है? गंगा नहाने से तिर जाए पवित्र रह जाए। गंगा नहाने से तिर जाते हैं? बिल्कुल। वाह बेटे क्या बात है। अरे गंगा के नहाने से तिर जाए तो ये फिर समझो कि सारी जिंदगी मनुष्य पाप करो और मरने से 10 दिन पहले गंगा जी में नहा लो तो पाप कट जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? तुलसीदास जी ने कैसे लिख दिया ये कर्म प्रधान विश्व कर राखा है? अच्छा कृतम स्मरम वेदहा। बात कर्म पे गई। अरे गंगा के स्नान से अगर मनुष्य का उद्धार हो जाए ये जीवात्मा का उद्धार हो जाए तो ये बड़े बड़े ऋषि और मुनि ये पहाड़ों में क्यों तपस्या करते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर गंगा के स्नान करने से शरीर तो पवित्र हो सकता है लेकिन आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती। आत्मा पवित्र करने के लिए तो क्या करना चाहिए? चिंता ना करो चिंतन ही करो। अच्छा आत्मा को पवित्र करने के लिए तो परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा उसका भजन करना पड़ेगा उसका मनन करना पड़ेगा। और अगर प्रभु का भजन मनन नहीं कर सकते हो तो तीन बातों को याद रखो। अगर हंसराज भैया भजन नहीं कर सकते तो तीन बातों को याद रखियो। वो तीन बात कौन कौन सी है? कौन कौन सी बात है? वैसे आज हंसराज भी डबल रोल में है। वो कौन सी बात है? तो देखिए वो तीन बात याद रख लो स्वतः ही भजन हो जाएगा। क्या? मन के मदन को मार लो।
मन की जो तरंग है ना, इसको अगर आपने बांध दिया तो समझो भगवान का भजन हो गया। अच्छा, मन के मदन को मार लो तो बस हो गया भजन, और आदत खराब सुधार लो बस हो गया भजन। ए, मन के मदन को मार लो तो बस हो गया भजन, आदत खराब सुधार लो बस हो गया भजन। भजन मन के मदन कुमार रूप बस हो गया भजन, आदत खराब सुधार लो बस हो गया भजन। मन के मदन कुमार लो, ये मन जो है ये बड़ा खराब आदमी है, ये शरीर के अंदर रहता है ये मन, अगर इस मन की चाल को रोक लिया, अरे समझो हम खाट में धरे हैं और मन पहुंच गया पता नहीं कहां, अगर मन जाए तो जान दे तन से मत ना जाए, मन कहीं चला गया तो चले जाने दो। अच्छा, वो लौट करके वापस आ जाएगा इस शरीर में, अगर मन के साथ अगर शरीर भी भेज दिया ना तो मामला खराब है। मन जाए तो जान दे तन से मत ना जाए, और जे मन के संग तन जाएगो तो जाते ही टांट फुड़ाए, अगर मन के संग तन भी भेज दिया ना तो फिर कोई ठिकाना नहीं। मन के मदन कुमार लो तो बस हो गया भजन, आदत खराब सुधार लो बस हो गया भजन। ए, मन के मदन कुमार लो तो बस हो गया भजन, आदत खराब सुधार लो बस हो गया भजन। भजन मन के मदन कुमार लो तो बस हो गया भजन, आदत खराब सुधार लो बस हो गया भजन। रखनी पड़ेगी वो क्या है, आए हैं हम कहां से कहां जाएंगे, आए हैं हम कहां से और कहां जाएंगे, लाए क्या थे साथ में क्या ले जाएंगे, लाए थे क्या हम साथ में क्या ले जाएंगे। मन में यही विचार लो बस हो गया भजन, आदत खराब सुधार लो बस हो गया भजन। ए, मन के मदन कुमार लो बस हो गया भजन, आदत खराब सुधार लो बस हो गया भजन। भजन मन के मदन कुमार ले बस हो गया भजन, आदत खराब सुधार लो बस हो गया भजन। मेरे सजनों, कहने का मतलब यह है कि गंगा के नहाए से अगर तिर जाते तो सुन सबसे पहले नंबर किसका आता, किसका आता भाई? गंगा के नहाने से कौन कौन तिर गए? मेंढक तो तिरे ना जिनको पानी में ही घर है, जो हर वक्त ये 25,000 मेंढक पड़े हरिद्वार के घाट पे। अच्छा, ये सब स्वर्ग में पहुंच जाते, स्वर्ग छोटा पड़ जाता अगर गंगा के नहाने से उद्धार हो जाता तो। ठीक, गंगा के नहाए से कौन कौन तिर गए? मेंढक तो तिरे ना जिनको पानी में ही घर है, और मुंड के मुंडाए से, ये टाट सिलपट करी रखे ना सिर को, मुंड के मुंडाने से अगर परमात्मा मिल जाता तो सबसे पहले भेड़ को मिलता जिसका कभी सर कटता ही नहीं है। अच्छा, और लंबी लंबी लटाओं से कौन कौन तिर गए? अगर लंबी लटा रखने से परमात्मा मिलता तो सबसे पहले किसका नंबर आता? किसका आता भाई? मोर का। अच्छा, लंबी लंबी लटाओं से कौन कौन तिर गए? मोर तो तिरो ना जाके कितनी लंबी फर है, और शंख के बजाने से, अगर शंख के बजाने से उद्धार हो जाता परमात्मा मिलता तो पता है सबसे पहले किसका नंबर आता? किसका आता? गधे का। अच्छा, जो हर वक्त शंख बजाते रहे। ठीक है, ये बात तो सही है। पर रानी मंजा कहती है महाराज, क्या कहने लगी? श्रीमद् भागवत में एक श्लोक लिखा है। कौन सा? कार्यस मंत्री कर्णेश दासी भोजेश माता च सैनेश रंभा। क्या मतलब? कोई कार्य को पति या पत्नी करे तो आपस में ऐसे सलाह होनी चाहिए। कैसी? जैसे राजा मंत्री की सलाह लेता है। अच्छा, कोई पत्नी किसी कार्य को करे तो पति की सलाह होनी चाहिए। ठीक बात। और पति किसी कार्य को करे तो पत्नी की सलाह होनी चाहिए। अर्धांगनी आधे शरीर की हिस्सेदार है। अच्छा, इसलिए महाराज मैं आपसे सलाह ले रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गंगा के स्नान करना चाहता हूँ। राजा बोला तो फिर ठीक है, पत्नी की हर इच्छा की पूर्ति करना पति का परम कर्तव्य है। ठीक बात। इसलिए तुम श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। अच्छा, और हम ऐसे नहीं चलेंगे गंगा स्नान के लिए तो 60,000 की फौज को सजा के रण के बाजे बजाते हुए
लाख पंडित दादा को बुला करके और वेदों के मंत्रों के आह्वान से हम तुझे गंगा का स्नान कराएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सोनाटेक कैसेट में हमारी ये ढोला फिल्म देखने वाले सज्जनों, हम कंपनी की ओर से और गायक मंडली की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका शुक्रगुजार करते हैं। भैया क्या हुआ? तो उधर तो रानी मंजर तैयार होती है गंगा स्नान के लिए। अच्छा जी। उधर महाराज प्रथम ने 60,000 की फौज को सजा के तैयार किया। कैसे? लाखा पंडित को बुलाया तो वेद पोथा ने लिया भैया। अच्छा, वेद पोथा संगी चलेंगे? हाँ क्यों नहीं। पर ये पंडित जी जो है ना, हाँ, ये ब्राह्मण बड़े अच्छे आदमी है। कैसे अच्छे? हंसराज भैया ये बड़े विधिते कमा के खामे। अब देखो कंपनी वालों को कितना बड़ा जुगाड़ है। क्यों? गवैया न लाओ, ढोलका वाले न लाओ, नंगाड़ा वाले न लाओ, ये लाओ वो लाओ, 100-250 मशीन लाओ। हाँ। और जब बिचारे इनको कंपनी वाले कुछ बच तो हो, थोड़ा गुण बच जाए तो नहीं, गवैया ही ले जाए, ये नंगाड़े वाले ही ले जाए, वो पाउडर क्रीमन वाले ही ले जाए। हाँ, वो भी ना छोड़े। पर पंडित की जात ऐसी है ब्राह्मण की, मनोरंजन का किस्सा है, ढोला से अलग है। कैसी है भाई पंडित की जात? ये 3 रुपया को ये कैलेंडर खरीदे और यहाँ सब पंडित ही पंडित और हैं। हाँ तो रहने दो, फिर क्या, हम सांची कह रहे हैं ना। अच्छा, 3 रुपया का कैलेंडर खरीदते हैं, एक साल में ये 3 लाख रुपया कमाते होंगे, भगवान जाने। 3 रुपया में? 3 रुपया में 30,000 तो कमाते होंगे। हाँ। बताओ लागत क्या लग रही है? कुछ भी ना। अरे नाई भी एक ब्लेड खरीदे 1 रुपया की आवे, शाम तक 25 रुपया की ब्लेड खरीदनी पड़ती है। तो देखो हम एक किस्सा सुना रहे हैं कि एक देहात का गांव था, पहाड़ की वाल में बसा हुआ था, यानी पहाड़ की तलेटी में बसा हुआ था, गुजरों का गांव था। अच्छा। उसमें एक घर बामण का था। बामण बड़ा हट्टा पट्टा था और बामणी बिचारी छोटी थी, कद की हल्की। ठीक बात है ना। अब गुजरों को तो आप जानते ही हैं कि गुजर तो इस भारत देश की एक बहुत मस्त कौम है। जब जब इस भारत देश की भूमि पर संकट आया तो गुजरों ने अपने जान की बलिदान दी। अच्छा। इस देश को आजाद कराने में गुजरों का पहला सहयोग रहा। ठीक। भारत के कण कण में झांकी गुजर वीर महानों की, इतिहासों में चमक रही गाथा तेरे बलिदानों की। मेरे दोस्तों, ऐसे वीर गुजरों का गांव था, पहाड़ की तलेटी में था, एक घर ब्राह्मण का था उसमें। अब गुजरों के छोरी की शादी रुक गई। अच्छा। अब जैसे राजस्थान से बरात आए, हरियाणा में आए भाई, सतपाल के गांव में आए, यो समझो। अब कोई दिक्कत ना, ये कोई शादी ना करे ना छोरी, ये हमारे मामा है वैसे। तो ये गुजरों के ये गोत्र भाई, ये 384 गोत्र है ना, ये तो गुदड़ी वाले तागे होते ही है। बिल्कुल। तो ऐसे गुजरों के लड़की की शादी थी, गुजर भाई पंडित जी के पास गए, पंडित जी गुरु महाराज प्रोहित जी हमारी छोरी को भी आया, शाम को फेरा पा रही है। पंडित जी बोले भैया आई बात को तो खाई रहे, अके दिन दिन ते आ जाइयो, मैंने सब टाइम से आना हम भाई। अब पंडित जी 4 बजे ही तिलक फिलक लगा के पत्रा पोथान को लेकर के और वह जने उसी कान पर लगा लग तैयार हुए। ब्राह्मणी बोली पंडित जी आज कहाँ जा रहे हो? अरे वान की गुजरों के यहाँ लड़की की शादी है तो फेरा फाड़ने जा रहा हूँ। पंडितानी बोली फिर तो मिठाई खाओगे? और भूखा रहूंगा। पंडित जी बोले ब्याह में जा रहा हूँ, भूखा रहूंगा। पंडितानी बोली मोकू, ये नीतली जात बहुत है पंडितों की, मोकू। अच्छा। पंडित जी बोले फेरा पाड़ के सुबह आऊंगा जब तुझे मिठाई लाऊंगा। पंडितानी बोली जी मैं आधे शरीर की हिस्सेदार हूँ, तुम शाम को जाओ तो मोह शाम को होनी चाहिए। अरे पंडित जी बोले उल्लू, मैं फेरा फाड़ूंगा कि तुमको मिठाई लेके आऊंगा रात में, लंबा गांव है कुत्ते खा जाएंगे। पंडितानी बोली जी ये गुजर बाबा है, इनने सदा से तलवार बजाई है, ये कहा जाने मंत्र फंतरन में, फेरान के इस लोकन में ये क्या जाने, बीच में 10 मिनट का लंच कर जाइयो, मुझे दे जाइयो मिठाई। क्यों स्कूल खुल रहा है लंच? भाई देखो बात ऐसी है कि औरत का डर सबसे बड़ा होता है। अब पंडित जी गए वहां शादी वाले के यहाँ। अच्छा। मंडप के नीचे छोरी छोरा बैठाए, हवन वेदी बनाई, गठबंधन करो। गठबंधन मतलब गठजोड़ा करो उनका। अच्छा। इधर को फेरा पड़ने की तैयारी हो गई, इधर को औरतें बैठी, इधर को मर्द बच्चा बैठे। पंडित जी ने अपना मंत्र शुरू किया। कैसे किया? पंडित जी को फेरान की चिंता थोड़ी है जितनी ब्राह्मणी के लड्डू की चिंता है, ना पहुंचे तो कलेश रुक जाएगा। पंडित जी ने अपने श्लोक शुरू किए। कैसे किए? पुरुषोत्तम नर हरे नारायणम केशवा गोविंद गण धरे गुण दे रामद्रम 8 लड्डू 4 पूरी और मिठाई बनाई हो तो फटाफट बेलड़की वाले ले आओ। सवार उपंकम स्वाहा।
वन कुछ मिठाई विठाई बनाई हुई जिनको लाओ जल्दी यहाँ फेरों पे चाहिए। अच्छा अच्छा वो बेचारे थाली भर के मिठाई विठाई लाए। पंडित जी बोले भाई देखो नई सरकार बनी है और नई सरकार ने ये नया संविधान निकाला है क्या, फिर आन के समय की जो मिठाई विठाई होती है उसको पंडित जी उसी समय घर पहुंचाते हैं तभी महत्तम होता है। ठीक बात। लड़की वाले पक्ष बोले के पंडित जी जल्दी धर जाओ मिठाई को। पंडित जी ने ऐसी लाल रंग की स्वापी में वो मिठाई बांधी और ग 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 पंडित जी गए अपने घर। अच्छा वहाँ ब्राह्मणी ने सोचा क्या अकेली बैठी रहेगी तुझे नींद आ जाएगी सो जाएगी पंडित जी जाने कब आए। वो पाड़ोसन के घर जा बैठी। पंडित जी घर पहुंचे मिठाई लेकर के पंडतानी पाई ना आए। फेरान को देर हो रही थी इसलिए मिठाई बंधी हुई स्वापी को खूंटी से बांध आए पंडित जी। पंडतानी आएगी जब खोल लेगी। अच्छा पंडित जी वापस मिठाई खूंटी से बांध के स्वापी को रुमाल को अपना अंगोछा को और फेरा पाड़ने के लिए आ गए। ब्राह्मणी आई पाड़ोसन के घर से। उसने सोचा पंडित जी अब तक ना आए। ब्राह्मणी ने खूंटी ऊंटी तो देखी ना मिठाई लग रही है। ब्राह्मणी ने सोची ना तो तुम वहीं चल लड़की वाले के घर। पंडतानी भी जा पहुंची। पंडित जी फेरा पाड़ रहे थे इधर औरतें बैठी हुई थी। पंडतानी औरतों में जाकर के बैठ गई। ब्राह्मणी ने एक गीत गाया। कैसे गाया? अब गीत के माध्यम से ब्राह्मणी उस ब्राह्मण को सूचना दे रही है समझा रही है। कैसे गीत गाया? ऐसे गाया भूखा न मर गई रे ब्राह्मण के। अच्छा पंडित जी ने जब ब्राह्मणी की आवाज सुनी तो पंडित जी चौंके ब्राह्मणी कैसे आ गई मिठाई को तो मैं घर टांके आया खूंटी के। परसों ये कुछ कहेगी। उसने गाने में कहा क्या कहा है बताइए। भूखा न मर गई रे सुन पंडित जी तेरी देखत देखत बाट और कह दई। क्या कही? रात अंधेरी झुक रही सुनो पंडित जी रात अंधेरी झुक रही सुनो पंडित जी वो उड़े उड़ो खावे खाट भूखन मर गई रे सुन पंडित जी तेरी देख देख तो पाठ के भूखन मर गई रे सुन पंडित जी तेरी देख देख तो पाठ के भूखन मर गई रे सुन। पंडित जी ने ब्राह्मणी की यह बात सुनी। पंडित जी समझ गए के पंडतानी ने मिठाई की खूंटी ना देखी। अच्छा पंडित जी बोले इन औरतों के गानों को बंद करो हमारे फेरान को मंत्र पछड़ो जा रहे हो। पंडित जी ने दूसरा श्लोक बोला। कैसे बोलो? सूर्यो देवता चंद्रो देवता भ्रगो देवता सम्मत दो हजार पंडतानी में मिठाई लेके धाम तुम तू घर ना पाई मैं खूंटी के बांधन तम तू वहां से क्यों आके यहाँ चिल्लावंतम परमेश्वरी मेरे प्राण ने क्यों लेवंतम तू यहाँ से जावंतम और घर पहुंच के खूंटी के मिठाई लटक रही है उसको उतार के खावंतम सवारुपंकम स्वाहा। पंडित जी ने वो श्लोक के द्वारा उसको सारी बात के मिठाई लेकर के गया तू घर ना मिली मैं खूंटी के बांध आया तू यहाँ क्यों बैठी है मेरे प्राण ने क्यों लेवन तम तू यहाँ तो जल्दी जावन तम घर पहुंचन तम खूंटी कैसे मिठाई उतार के खावन तम सवार पंकम स्वाहा। और पंडतानी समझ गई। ब्राह्मणी पगी। अच्छा घर पहुंची पर चक्कर है कैसे खूंटी रहेगी ऊंची और पंडतानी रहेगी नीची। शंकर भगवान की जय। अब इतनी अकल नहीं है औरतों में। क्यों? अरे टेबल धर ले मेज बिछा ले कुर्सी धर ले मूढ़ा धर ले खाट बिछा ले ड्राम धर ले और कुछ धर ले उसके ऊपर चढ़ के खोल ले। ठीक बात। लेकिन ब्राह्मणी उल्टी वापिस ही दौड़ के वहां आ गई जहां फेरा पड़ रहे थे। फिर औरतों में बैठ करके ब्राह्मणी ने गीत गाया। क्या गाया फिर? पंडित ने सोची अब के क्यों आके मरिए सारी कुछ बात बता दी फिर भी। फिर ब्राह्मणी ने गीत गाया। क्या गाया है? ऐसे ऊंची ऊंची खूंटी मेरे हाथ ना आवे लपक लपक गई हार बामण के तेने अपनो ही पेट
खूंटी ऊंची रह गई मेरे हाथ नाम है। अच्छा पंडित जी बोला बंद करो औरतों के गानों को। हाँ हमारे तीसरे मंत्र को देर हो रही है। वो कैसे बोला तीसरा? नवामी स्मशान वान उपम पणता नहीं मैं एक मिठाई लेके धाम तम घर तू घर ना पाई मैं खूटी के बालन तम और तुझको उपाय बता दिया फिर भी लौट के क्यों आवन तम पर मेरी तू यहाँ जावन तम खूटी तम ऊंची तब तू कुछ नीचे धर के ऊपर चढ़ के मिठाई को उतार के खावन तम पर मेरी मेरे प्राण में क्यों लेवन तम सवार पंकम स्वाहा। बड़ी तो देखो पंडित जी की जात बड़ी चालाक होती। अच्छा है? फिर क्या हुआ? तो 3 रुपया के कैलेंडर खरीद करके 30,000 कमाते हैं। सुनो भैया बात तो ये है। कौन सी? केवल आका दादा तैयार हो गए 60,000 की फौज को राजा ने तैयार किया और रानी मंझा श्रृंगार करती है महल के अंदर। बेटे नंदलाल राणा देखिए वो कैसे श्रृंगार कर रही है। कैसे कर रही है? कौन से सुनिए गोरे गोरे हाथ रचा लई मेहंदी गोरे गोरे हाथ रचा लई मेहंदी और अब माथे पे जाने कर लगी है बेने। रानी ने स्नान कराया गुर गुरे हाथ तो रचा लई मेहंदी और माथे पे रख लई बेंदी और बेंदी के बीच में बेंदा जैसे खिले बाग में गेंदा। और क्या रानी बांदी ने नहवाई जाको रही सिंगार बनाई लहंगा पहरो घूम घुमार अपने हाथ खेच दियो नारो अपने हाथ खेच दियो नारो अपने हाथ खेच दियो नारो लेगा पैरो घूम घुमारो अपने हाथ खेच दियो नारो रानी को नखरा भारो जन सब सिंगार समारो कोई रही कंठी से मनिया पहरे गुली बंद पचमनिया रस टपक रहो बोली में सितारे जड़ रहे हैं चोली में अगिया फरी बंद से लागे थारी है दर्पण के आगे जाने ओढ़ चीर हजारी सिर पे ओढ़ लिया चूंदर कार ए सिर पे ओढ़ लिए चूंदर कारी सिर पे ओढ़ लिए चूंदर कारी सिर पे ओढ़ लिए चूंदर कारी। अब देखो जन ओढ़ हो चीर हजारी ऊपर ओढ़ी चूंदर कारी जाने नथ पहरो भलकारी सदरई अजय पाल की राज दुलारी पोरे कंठी के से मनिया पहरे बुली बंद पचमनिया अब नहाने को ले लियो गडवा पहरे सांडने बरी गडवा गहनो गोल रंग की भूरी और हर को तई पहरी चूरी चूरी पहर लई काचन की शोभा बन गई जो हाथन की नार में हार झकोरा खावे वाकी शोभा कहीं ना जावे सीताराम हरे सीताराम हरे राम हरे राम हरे सीताराम राम हरे चूनर में जड़े सितारे चूनर में जड़े सितारे जाके नखरा सब ते नारे हरी रव कह अलावड़े वारो जाको बीत गलो सहकारो मेरी जान सुनो सब भैया जाकी पार लगेगी नैया वैसे चरखे में चल भैया सीताराम हरे सीताराम हरे राम हरे राम हरे सीताराम ऐसा रानी मंझा को तैयार हुआ 60,000 की फौज को सजा के राजा प्रथम जो चलने के लिए तैयार भया 10 समय देवताओं ने अमृत पिया था। देवताओं के साथ महाराज वीरसेन ने भी अमृत पिया था और सूर्य के वरदान से इस राजा प्रथम के लिए 10 पहिए का रथ मिला था।
अच्छा, उस दस भैया के रथ को सजा करके महल के दरवाजे पे खड़ा कर दिया और रानी महल से उतर करके आई है। सजन कैसे आई और क्या आई है? महल से जैसे बिजली झमारी आए चौमासे के महीना में, जो इंद्रधनुष पड़ जाए, चमक चमक चम पायल की चमकार, घमक घमक घम घुंघरू घमकदार सोना कैसेट में हरिराम करता है ढोला का प्रचार। घमकदार सोना कैसेट में हरिराम करता है ढोला का प्रचार। आहा, मेरे सजनों जब रथ के पास में आई है, क्या हुआ फिर? अब सगुन हो गए। कैसे? भारी लग रही गंगा नहाने की पीक, और जैसे पांव धरो रथ में तो सामईते है गई छींक, सामने से छींक हो गई। अच्छा, हमारे हिंदू लोग, हमारी हिंदू सांस्कृतिक रीति में छींक को, सामने से छींक हो जाने को अपशगुन मानते हैं। लेकिन पंडित जी कहते हैं महाराज, क्या बोले? सामने से छींक हो गई रानी को बैठते, इसलिए रथ को रुकवा दीजिए, बाजों को बंद करा दीजिए, दो घंटा बाद फिर सजाएंगे, फिर चलेंगे। लेकिन महाराज कहते हैं, क्या ब्राह्मण गुरुदेव तुम नहीं जानते? क्या बात है? रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन नहीं जाई, ये रघुवंशिन की आन, रानी रथ ते नीचे नहीं उतारूंगा चाहे बेसक जाइयो प्राण। अरे हरियल केवट कदली सोहे, फिर दूसरी बार फरे ना, सायर सूर सती रंचन के घर की ओर कुचित करे ना, ऐसी जुबान बड़े नर की मुखते कर जाए तो फिर करे ना। बजाओ बाजे, हर बड़े के हिरणा बड़े, सुगनी बड़े के श्याम, अर्जुन रथ को हांक दे भली करे भगवान। अरे छत्री सोन और कुसोन नहीं बिचारा करते हैं, बजाओ बाजे गंगा के लिए प्रस्थान करो, सजा फौज को जल्दी। तो कैसे चले हैं भैया सुनो, कैसे जा रहे हैं? फौज में बीत गए से कारो, क्या बात है? और गंगा हाईवे जा रो पंचो राजा नर पर बजे सूरमा सजे चाव लड़वे को मरे कमारे छत्री सदा पन पारे। आहा, जिनने बाजे दिए बजवाए सज के परा फौज चली आगे तू ए पहुंचे गड़ गंगा पे भैया। मैं तो सोना टेक कैसे लाऊंगी चाहे लरी और वजन जान, सोना टेक कैसे लाऊंगी चाहे लरी और वजन जान, लरी और वजन जान चाहे है लाए पानी पानी, सोना टेक कैसे टेकूं ही बजाऊंगी चाहे लरी और वजन जान, सोना टेक कैसे टेको बजाऊंगी चाहे लरी और वजन जान। शंकर भगवान की है। इधर 60,000 की फौज को लेकर के पहुंच जाते हैं महाराज। हाँ, गढ़ गंगा पे जब पहुंचे, रन के बाजे बजे सूरमा सजे चाव लड़ने को, मरे कुमारे छत्री सदापन पारे, रन के बाजे दिए बजवा सज के फौज चली आगे को पहुंचे गढ़ गंगा पे जाए। गंगा पे पहुंच जाते हैं, कौन? नरवर नरेश महाराज, प्रथम रथ में बैठी हुई रानी। अच्छा, तो देखिए सजनो, वो गंगा का पर्व था, देश देश का राजा उस गंगा के घाट पर उस समय स्नान करने के लिए आए गए
कहाँ कहाँ के राजा आए थे? कंचनगढ़ से कंचन सिंह राजा। अच्छा। सुआगढ़ से सुआ सिंह राजा। ठीक। त्रकनगर से त्रकपाल। हाँ। महेंद्रगढ़ से महीपाल। अच्छा। नरबरगढ़ से प्रथम राजा। और एक राजा और आया था, वो कौन था? कंपलगढ़ से फूल सिंह पंजाबी। वो कैसे आया था भाई? फूल सिंह पंजाबी पंजाब का राजा था। हाँ। उसके एक लड़की थी। क्या नाम था उसका? उस लड़की का नाम था सरवत। बड़ी मीठी भाई। अरे खांडकी का भैया नाम तो ठीक हो। लड़की का नाम, हाँ औरतों के नाम भी ऐसे ही होते हैं। कैसे? नाम कछु गुण कर्म कछु। नाम कुछ है औरत का, हाँ। गुण कुछ है, कर्म कुछ है। नाम कछु गुण कर्म कछु न्यो हो रे अर्थ कुतारे, और सुंदरी और स्वरूपी जिनते डर पे बालक बारे। नाम धर दिया सुंदरी स्वरूपी, मुंह देख लिए तो आदो से बाजार ना रुके। हाँ। खाती टाट फिरे जंगल में अंगूरी और केला। अच्छा। कितना चना में अंगूर केला। हाँ हाँ। खाती टाट फिरे जंगल में अंगूरी और केला, मोहर असरफी गिन्नी जिनके पल्ले में ना धेला। नाम तो मोहर असरफी गिन्नी धर दियो, चोनी के पैसा ना पारोसन दे मांगी हिला देरे दारी ले लेगा नारो ने हम है। तो देखिए उस फूल सिंह पंजाबी की बेटी जिसका नाम था सरवत, 18 साल की उम्र थी। दोस्तों फूल सिंह पंजाबी कैसा था? कैसा पंजाबी था? फूल सिंह जनमत को जाली, और दिन को लड़ते हैं जिन, रात को संग लड़ती है काली। ऐसो बवाली जाको बार न जाए खाली, ना कोई वीर समान जय दुश्मन सामई भिड़े रन कर दे खेत मिला, रेत में मिला दे जो दुश्मन सामने लड़े। हाँ। ऐसा 14 विद्या जादू जिंद काली संग लड़ते हैं। ठीक बात। ध्यान करने की बात है दोस्तों, 16 कैसेट पर ढोला की फिल्म देखने वाले सज्जनों, देश देश के राजा गढ़ गंगा पे आए हुए थे। गंगा के पूरब के घाट पे तंबू डेरा लगे हुए थे नरवर नरेश महाराज प्रथम राजा के। गंगा के पश्चिम पे तंबू डेरा लगे हुए थे फूल सिंह पंजाबी कंपलगढ़ वाले के। ठीक बात। और अन्य राजाओं के यथायोग डेरा लगे हुए थे। रात बीत गई, सवेरा हो गया, फिर क्या भयो? रब निकरो सूरज किरण पसारी, सब नर नारी गंगा स्नान करण की कर रहे तैयारी। इधर से पूरब के घाट से रानी मंझा सोने की नाव में बैठ करके गंगा स्नान करने के लिए गंगा की धार में आती है। अच्छा। पश्चिम के घाट से पंजाबी की बेटी सरवत हीरे मोतियों से जड़ी हुई नाव में बैठ करके गंगा की धार में आती है। दोनों लोग लुगाई सूर सिपाही गंगा की पार पर स्नान कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग कथा कीर्तन कर रहे हैं, राम कथा कृष्ण कथा भागवत कथा हरिराम कथा हो रही है। लेकिन क्या हुआ? रानी मंझा की नाव और इधर से पंजाबी फूल सिंह की बेटी सरबत की नाव, दोनों की नाव गंगा की धार में आ जाती है और लड़ाई की जड़ यहां से शुरू हो जाती है। नंदलाल बेटे लालचंद, कैसे होती है? कैसे बताइयो। हो रे मंझा नार। क्या बात है?
कथा बाज रे भारे और बैठनाब में आ गई लोगों पर तब की घार करके रानी मंझा गंगा की धार में आई। अच्छा, इधर से फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरबत गंगा की धार में आई। आहा, देखिए सुनो भैया, क्या हुआ फिर यहां से आगे? यहां से आगे ये हुआ, क्या उठाता ही डोरा उठाता रहे हो हिलोरा उछट रहे हो पानी और क्या गंगा में आए गई है मंजा सिरानी गंगा में आए गई है मंजा सिरानी गंगा में आए गई है मंजा सिरानी थम की गोरी आए गई है फूला सिंह की ए आए गई है फूला सिंह की छोरी आए गई है फूला सिंह की छोरी और बार बैठाड़े भैया लोग अनुराई क्या बात है पार पे ठाड़े लोग लुगाई ठाड़े देख रहे सूरा सिपाही ठाड़े देख रहे सूरा सिपाही ठाड़े देख रहे सूरा सिपाही अरे रानी की नाव धार में आई नहा रहे गंगा में लोग लुगाई आज अब होए सबको आनंद में चोला सोना टेका में सुन रहे ढोला ये सोना टेका में सुन रहे ढोला सोना टेका में सुन रहे ढोला भैया सोना टेका में सुन रहे ढोला दर के प्यार सुनो मेरे प्यारो नंदो लाला को बजाता नगाड़ो डाला चंदा है ढोला का बाग हरी रामो कह रहे हो मन को ए हरी रामो कह रहे हो मन को प्यारो हरी रामो कह रहे हो मन को प्यारो जो तो है उस ताज हमारो जो तो है उस ताज हमारो अरे दावे दारा गंगा में दुनिया नहाए उठाता हिलोरा उठती है पानी इत से आए गई है मंजारानी इत आए गई पंजाबी की छोरी पैरन कजाए सीसा पे छोड़ी जत रानी मंझा की नाप
इधर से पंजाबी की बेटी फूल सिंह की लड़की की शरबत की नाम अब कोई किस्सा मता खाए गई चक्कर अरे कोई किस्सा मता खाए गई चक्कर ऐसो लगो ए थप्पो रहा चला को दोना बना में है गई चक्कर ए दोना बन में है गई चक्कर दोना बन में है गई चक्कर देखिए इधर से रानी मंझा की नाम इधर से शरबत की नाम दोनों नावों में टक्कर हो गई फिर क्या हुआ जब नाव टकराए आपस में नवकाया आपस में टकराए जब सरबत ने वचन सुनाए और क्या सखी रह गए वारी अरी कसला जाती है घरवारी सुन के बोलिए मंझा नारी बढ़नर वर की रहवे बारी राजा प्रथम की घरवारी पंचो आठ पेट की खोली इतनी सुन के सरबत खोली इतनी सुन के सरबत बोली इतनी सुन के सरबत बोली इतनी सुन के सरबत बोली रानी मंझा ने ये कहा मैं नरबरगढ़ रहने वाली हूँ राजा प्रथम की पटरानी मेरा नाम मंझा है फूल सिंह पंजाबी की बेटी शरबत बोलती है अंचो आटा पेट की खोली इतनी सुन के शरबत बोली कैसे नहा रही है बहना या केली तेरी कहाँ गई है संग सहेली पहरे बंगरी बड़ा पछेली पहरे बंगरी बड़ा पछेली पहरे बंगरी बड़ा पछेली पहरे बंगरी बड़ा पछेली और अरे पैरन खजाए शीशा पहलोर भैया क्या हुआ पैरन खजाए शीशा पहलोर पैरन कजाए शीस पैदोरी और क्या बोली पंजाबी की गोरी अरे दावेदार आया ढवके ऐसे के ऐसे कैसे नह रही है बहन या तेरी तेरी कह रही है संग सहेली पहरे बंगरी डार पछेली तेरे पीके पड़ जाएंगे रंगों का ये बहन या तेरी बेटे उस दिन की इंतजार करो उस दिन का इंतजाम करो कौन से दिन का जब परमात्मा के यहाँ से परवाना आएगा आहा इतना लंबा कागज आएगा मोटे मोटे सिंगन वाले आएंगे जमराज लेकर के कागज को और तू खाट में धरो रहेगा तुझे कागज दिखाएंगे बंदे पढ़ ले इस परवाने को और क्या लिखा इसमें तेरे जीवन का चरित्र लिखा हुआ है जब कागज देख कलेजा धड़के कागज देख कलेजा धड़के कागज देख कलेजा धड़के कागज देख कलेजा धड़के हेरे कागज देख तेरो कलेजा धड़के
और ले जायम के दूत पकड़ के ले जायम के दूत पकड़ के ले जायम के दूत पकड़ के और चाहे तू रही हो किले में छिपके हर तेरे हाथ ला नंदलाल तेरे हाथ ला पड़ेगी जमीर बन रहा धर्म राज का थाना और याद रखो वो कौन सी है बैयर बानी तेरे छोरा छोरी बैयर बानी छोरी छोरा बैयर बानी छोरी छोरा बैयर बानी छोरी छोरा ये है ना ये हाँ ये छोटे मोटे अटाऊ बटाऊ जिनको आज बहुत अच्छा लग रहा है कैसे रुपया कमा के ले जा रहा है तो औरत भी काजल बेंदी होठ रचाए के लिपस्टिक लगाए के खाट के ओर पास फिरे मैं और जब तू तेरा कमाना बंद कर देगा बुढ़ा हो जाएगा रिटायर हो जाएगा फिर कोई काजल न लगाएगा तुर पर न मेहंदी लगाएगा बिल्कुल कोई ना खाट के चारों तरफ नहीं फिरेगा ये जो आज जो फोन कर रहे हैं ना वीडियो गेम ले आना पापा ये कुछ नहीं कहेंगे उस दिन ये कहेंगे इसकी खाट को बाहर निकालो इस वीडियो गेम को बाहर पटको बैयरबानी छोरी छोरा गर्दन में नहीं छोड़ेंगे डोरा गर्दन में नहीं छोड़ेंगे डोरा गर्दन में नहीं छोड़ेंगे डोरा जब तेरो आवे गो बखत या खीर भैया आना रहे ना जाना करने सुतने की तकबीर जब तेरा आवेगा फरमाना कर ले सुतने का तकबीर आवेगा परमाना तेरा आवेगा परमाना तेरा आवेगा परमाना कर लाए उस दिन का इंतजाम जब तेरा आवेगा परमाना कर ले उस दिन का सुबीर जब तेरा आवेगा परमाना कर ले उस दिन का सुबीर जब तेरा आवेगा परमाना देखिए वो गड़गंगा के घाट पे वो पंजाबी की बेटी जिसको अपने बाप के जादूकार जिंदकाली साथ में लड़ने का बहुत बड़ा घमंड था वो कहने लगी रानी मंझा क्या तो नरवरगढ़ नरेश की पटरानी है अकेली नहा रही है अरे तेरे फीके पड़ जाएंगे रंगो और कायक बहन अकेली नहा रही है मेरे चलो पिता के संग औरतों में इसी बात पे लड़ाई होती है अच्छा मंझा बोली बेटी हाँ तेरा क्या नाम है सर्वत है मेरा नाम मेरा नाम सर्वत है अच्छा हाँ शादी हो गई क्या नहीं शादी नहीं हुई ना ससुराल गई कि ना गई ना ससुराल नहीं गई शादी भी नहीं हुई ससुराल भी नहीं गई अरे बिना बिना शादी के ससुराल नहीं जाया करते अब तो चली जाए खूब जा रहे हैं रोज ससुराल की जरूरत ही न थे हाँ तो देखो मंझा बोली बेटी तू मैं बूढ़ी आदमन हूँ हम बे अरे और तू एक नई छोरी है हाँ। अभी तूने ये देखा ही नहीं कि दरियागंज का फाटक कहाँ है बिल्कुल तुझको यही पता नहीं कि धनिया कितने भाव का कितने रुपए का एक किलो मिलता है तुझे ये पता है जलेबी कैसे बनती है हाँ, वो तू अभी बेटी तेरी शादी नहीं हुई अभी ससुराल गई नहीं हाँ। अब तुझे ये पता नहीं कि 60 और 4 कितने होते हैं 62 अभी तूने अभी ये पहाड़ा नहीं पढ़ा कौन सा पहाड़ा उल्टा पहाड़ा नहीं पढ़ा ससुराल चले जाते हैं तभी पढ़ती हैं औरतें उल्टा पहाड़ा उल्टा पहाड़ा कैसा होता दो एकम दो दो दिन छह दो तीन दो चौक 12 2 5 15 अच्छा है ना और तू कह रही है तेरे पिता के साथ चलो सुन कर रही बना रही है क्यों बड़ बड़ के बात तेरी जात न जाच पड़ेगी पड़ेगी तू काऊ रस्सी आके अभी किसी कई छोरा से तेरा विवाह नहीं हुआ है नहीं तो लाली तो ऐसे बना देगा जैसे हमारे बिल्लू भाई साहब को मोहे ना बिल्कुल ऐसा कर देगा तेरे मोहे दे लो बिल्कुल जनाना मोहे टूबलाट अर्जुन फिर भी अगर नहीं मानती है तो मैं तुझको एक बात बताती हूँ क्या बात है ये बात बताई कौन सी
होर तू हो रही चकना जीवन की अरे डोर ते बेटी तू अभी बहुत है होता तो तुझे अपने बेटा की रानी बना करके ले जाती। इतनी बात को जब सरबत ने सुना, नंदलाल क्या हुआ? कई बात तो सुनी मन झाती लग गई आग बदन में जा। इतनी बात तो सुनी रानी की लग गई आग बदन में जा। और सरबत बेटी कहने लगी, रानी मंझा सुन ध्यान लगा, तेरे ललकारो है मुझको, अरा तेने ललकारा है मुझको, तू सुन ले अब ध्यान लगाए। और रानी देख रही है तो तू मजा तुझ चखाए। हरे तेरे पिता व फूल सिंह की दुनिया में जाहिर तलवार तलवार चाहिए, पर मेरे पिता फूल सिंह की है दुनिया में जाहिर तलवार तलवार और क्या। कर गंगा के घाट पे वो क्यों दियो लौटा, भलाई और काई के माथे लिखोए कलंग, निर्धन को धनवान बनाएगे छत्रपति को कर दे रंग, हे बेवारी हे के रहेगी अब नर क्यों ना रहे तुम संग। बस सजनो, बड़े आदमी ने चार लाइन लिखी है, वो क्या है? एक गांव में आग लगी और
अरा चूल्हे ने दहशत खाई, वहां खड़ी एक छोटी सी छोरी, देख बिचारी घबराई, हवा संग उड़ गई वो छोरी, तीन लोक में भूया। उस लड़की का बना खटोला नौ से रुचौद है बाई, आधी लड़की का बना घाघरा कली कली पे चौपाई, या को अर्थ लगा दे मेरे भैया वो लड़की की सकुड़िया है। सुनो अब चेत में प्यारी, अरा चेत में प्यारी गाड़ी लागे बेसक प्यारो लगे भट्टा, अरा चेत में प्यारी निंदरहा लागे असाड़ प्यारे हिले लटा, तोरो सामन प्यारी बेटी लागे, अरे सामन प्यारी बेटी लागे बादो प्यारी लगे घटा, अब अखबार में प्यारे लगे कनागत कातिक प्यारी लगे कथा, अरे अघने प्यारी लगे गुदरी ठूस में प्यारी लगे तपा, माह में प्यारी तेरी आ लागे आगन प्यारो लगे लखा भाई आगन प्यारो लगे लखा। ये चीज तो इन महीनान में प्यारी लगे आहा। हम बताते हैं आपके लिए सोनक जैसे पर ढोला फिल्म देखने वाले सदरों, ये चीज तो इन महीना में प्यारी लगे, और हम बताते हैं आपके लिए कौन सी चीज कौन से महीना में दुख पावे, दुख भी पाए। तीन ऋतु होती हैं, वो कौन कौन सी चीज रोते, जेठ जेठ मास में तीन दुखारी, क्या मोर पपैया को हल प्यारी, क्यों पानी नहीं मिले, अच्छा चौमासे में तीन दुखारी, ऊंट बकरिया भेड़ बिचारी, क्यों बरसात में, और चारे में तीन दुखारी रणवा बुढ़ावाल कमाई, कहा कारण कुराम चंद्र बहे कहा कारण कुबे हनुमान, देखिए कहा कारण कुराम चंद्र बहे कहा कारण कुबे हनुमान, और क्या और कहा कारण मनिया गिर बहे कहा कारण कुनागर पान, रामन मारन राम चंद्र बहे लंक जलाने को हनुमान, और सीत चढ़ाने मनिया गिर बहे बीड़ा चावल नागर पान, अब चौमासे को जल परसे और ठंड परे जग सीत कहा, अब चौमासे को जल परसे और ठंड परे जग सीत कहा, बड़े आदमी कहते आए हैं क्या चीज है, कोई ना जल में माता पिता बिन, और कोई ना जल में माता पिता बिन धरती पे रसोई आए, कोई न जल में माता पिता बिन धरती पर रचवई आए, अरे गेंद की तरह फिरे धरती पर या पे प्रकट रहे कृष्ण का नहीं आए, भाई कृष्ण का नहीं आए यशोदास मैया है पार लगैया सबकी नैया, हरि राम गवैया नंदावद भैया सर डालू भैया राम करण सुरैया बटला घड़ा बलैया, अरे सर्वत भोली जब मन हसे मन हसुन मेरी ध्यान लगाए, और तेरे जुलम पार दिए भारी बेटा की रही बहू बनाई अब दैया दैया, जा रही हूं देखने वो चल देती है और मल्हा से बोली है, क्या बोली है हे सर्वत बोली है जब मल्हा से अब एक पैयर को हाल
आसमान पे आई है, बिंद परो ए नाए बाप को नाया कहे कोई माई है। अब बिना पति की हमने देखी सुंदर नहर नवेली, वो फौल सिंह की बेटी सरबत मंझा से कह दिया कि जे बेटी मैं फूल सिंह की कहलाऊं तो सौगंध गंगा जी की खाऊं, तू तो मुझे अपने बेटा की बहू क्या बनाएगी, लेकिन तोय मैं अपनी मौसी बना करके कुंभलगढ़ को ले जाऊं। अच्छा, ऐसे कहकर के नाम को बगदाद और बल्ला से कह दिया, नाम को किनार से लगा के पहुंचा दो पिता के तंबू में। मल्हा ने नाम को किनारे से लगाया, आज वो लगी हुई आग, तपी हुई छुरी, छिड़ी हुई नागिन नाव से उतर करके वहां पहुंचती है। कहा? जहां गंगा के पश्चिमी घाट पे 1,00,000 की फौज के बीच में महाराज फूल सिंह पंजाबी बैठे थे। अच्छा, पंजाब का राजा था। और सामने से देखा जैसे भैया रावण के सामने बहन सुपर्ण का आज आंसू ढलकाती हुई आई, आज वो सरबत पहुंच जाती है। और क्या बोली है, क्या बोली, हर रोए गई नारे नैना कटोरे, रो गई नारे ढड़क गए आंसू, कहने लगी कर के मन धारो, हो रो गई नारे ढड़क गए आंसू, कहने लगी कर के मन भर, हे फूल सिंह यो कहने लागा किसने तेहत उधारा, फूल सिंह यो कहने लागा किसने तेहत सिंह यो कहने लगा किसने तेग दुधारा, रक्त रोए गई नारे धड़क गए आंसू, कहने लगी कर के हुए थे कौन, पंजाब का राजा महाराज फूल सिंह, सामने वो सरबत बेटी, रूप देख अपनी बेटी का छाती से चिपकाए लई, रूप देख अपनी ही बेटी का छाती से चिपकाए लई, कैसे रोई सुता हमारी किसने तुझसे कहा कही, कैसे रोई सुता हमारी किसने तुझसे कहा कही, कैसे रोई सुता हमारी किसने तुझसे कहा कही। जब पिता की ये बात सुनी, एक बात कह दे इस बेटी सरबत ने, क्या कही, राजा वो मर जाए जुलम जो खुद पर जापे तो रहे, जुगल खोर बेहिमान मरे जो अमृत में विषम भोले, यार राजा वो मर जाए जुलम जो खुद पर जापे तो ले, जुगल खोर बेहिमान मरे जो अमृत में विषम भोले, पिता वही मर जाए जो अपनी ना संतान पढ़ावे, माता वो मर जाए कभी ना पतिव्रत धर्म निभावे, माता वो मर जाए कभी ना पतिव्रत धर्म निभावे, माता वो मर जाए कभी ना
हाल देख अपनी बेटी का, हाल देख अपनी बेटी का, फूल सिंह वो लाबा घर क्यों कर रोए रही बेटी क्यों यकीन सो बहरा पानी, एक क्यों कर रोए रही बेटी क्यों यकीन सो बहरा पानी, हाल देख अपनी बेटी कौन के सिर पै मोतबकारी क्यों अखियन बहरा पानी। बात वो चल रही थी कौन सी कौन सी, बेटा वो मर जाए बाप अपने को नाम डुबावे, ऐसा बेटा मर जाना चाहिए जो बाप और समाज का नाम डुबा दे, और बेटा वो मर जाए बाप अपने को नाम डुबावे, बेटी वो मर जाए लाज जो दोनों कुल की धावे, भाई वो मर जाए जो भैया गैरों से पिटवावे, यार वही मर जाए कभी विपता में काम ना आवे, ओ बेटी कैसे रोए रही दीदो मोए भे करके छाती से लगा लिया फूल सिंह पंजाबी ने कहा बोल बेटी क्या बात है कस कस सिर पर मौत ने ललकारा है, कौन ने तेरे मुंह उंगलियां दिखाई दे तो सारे का हाथ काट दूं कोहनी दे, ठीक बात, कौन ने तेरे मुंह आंख दिखाई तो साले की आंख काट लूं, कौन ने गाली दे तो साले की जीभ खींच मालूं, बोल बोल बेटी क्या बात है, बेटी बोल क्या बात है, सर्वत कहने लगी है पिता अरे तुम राज के मंद में तुम अपने कुटुंब परिवार अपनी संतान का ख्याल ही क्या है, बोल बता क्या बात है, जंद काली संग लड़ते मेरे नाम के भय से काल भी डरता है, चाहूं तो धरण को आसमान में मिला दूं, अच्छा चाहूं तो आसमान को धरण में मिला दूं, ठीक बात, बोल मेरे नाम से इंद्र देवता भी पसीना देता है, क्या बात है बोल बता बेटी बता, क्या मैं जब गंगा स्नान करने के लिए मेरी नाव को गंगा की धार में ले जाया गया, कोई पावनगढ़ के बीच में नरवरगढ़ राजधानी है, उस नरवरगढ़ राजधानी के महाराज हैं प्रथम राजा और उसकी पटरानी है मंझा, फिर क्या है क्या हुआ, मेरी नाव उसी समय धार में पहुंची, उधर से मंझा रानी की नाव धार में आई, दोनों की नाव में टक्कर हो गई और सुमंजा ने अपने मुझे बेटा की बहू कह दिया, या तो नरवड़ के राजा से तलवार बजाओ और नहीं पूरे पंजाबी डूब के गंगा में मर जाओ, सजनों छत्री के लिए कोई चुनौती दे दे, एक वीर पुरुष के लिए कोई ललकार दे तो फिर उसका जीना और ना जीना एक समान हो जाता है, खड़ा हो गया और क्या मैं कहने लगा, कौन है वो जो इस तलवार के भय को नहीं मानता, कासिम एक कागज लाओ कलम दबाक लाओ, कासिम को बुलाया, कासिम ने एक कागज रखा कलम दबाक रखी, आज फूल सिंह पंजाबी लड़ाई का परवाना लिखता है, किसके लिए, नरवर नरेश के लिए, अच्छा लिखता है क्या लिखना उसमें, के पहले हमसे तलवार बजाओ
पीछे गढ़ गंगा में नाव और तलवार बजानो बस की नाए तो गंगा छोड़ नरबर भग जाओ। इस गंगा के घाट पर झंडा गड़ेगा तो पंजाबी फूल सिंह का। अच्छा मेरे सजनो ऐसे कागज को लिख करके कंपलगढ़ की मोहर लगा करके अपने हस्ताक्षर करके कासिद को बुलाया, एक सिपाही को बुलाया, कह दिया परवाना ले जाओ गंगा के पार। कासिद उस परवाने को ले जा करके गंगा के पार जब पहुंचा, अच्छा जहां 60,000 के दल के बीच में वो क्षत्रिय सम्राट नरवर नरेश महाराज प्रथम बैठे थे, 7 कदम से प्रणाम करके कासिद ने वो परवाना दिया। परवाना महाराज साहब ने पढ़ा नरवर नरेश महाराज प्रथम ने, और परवाने में जब लड़ाई पड़ी कागज की पलट में लिख दिया हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। मेरे सजनो 16 टैग कैसिद पर आप जो ये गंगा स्नान फूल सिंह पंजाबी की लड़ाई सुन रहे हैं, मैं हरिराम गुजर हमारी 16 टैग कंपनी कैसिद की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका शुक्रगुजार करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। इधर से तो नरवरगढ़ की 60,000 की फौज, अच्छा इधर से 1,00,000 की फौज फूल सिंह पंजाबी, कैसे गढ़ गंगा पे लड़ाई होती है, तलवार बाजती है। सजनों सुनिए क्या बात है बेटा, कैसे बज रही है, पातल पातल में बल बढ़ गए हो, भवानी दोनों लंके ढक्कन खींच रही है तलवार, धक्का पड़ा फौज के यंगर जोधा खींच रही है तलवार, और क्या पर खटखट खटखट तेज हां बज रहे छपका चाल चले तलवार, अब खटखट की चक्की धरनी में बहने लगी है खून की धार, और जोधा से जब और घोड़न पे भये सवार बड़ बड़े योद्धा भिड़िया बस में अपनी बजा रहे तरवार पर, और चली सिरोही गढ़ गंगा पे घर के जहन सुरो सरना, अब जैसे अहरनों पे घन पट के ओ लोहार, और जैसे तोता आम को काटे और तमोलन कहाटे पाम, नदी नर्मदा को जल बरसे जो पर्वत के गंगे माए, अब पूरब जब मांग धरत है और पश्चिम कुते उतार, ए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों लंग फिरे तरवार, जोधा के जब जोधा बेड़े रे करन लगे पर जोरी है, और पकड़े मूनखो पर ये पूर्ण जैसे परसाने की हो रही है, जैसे जो ना फिर गए लोगों बंचो सुनो ध्यान लगाए, खटखट खटखट तेज हवा जे थपका चाल चले तलवार, बोलो शंकर भगवान की जय। अब
पश्चिम उत्तर दक्षिण चार विलंग फिरे तरवार अब जो धाते जब जो दा भिड़ रहे करन लगे पर जो और पक्का रहे मुंड को पर ये पुरदेश परसान एक ही हो रही है की पेश नहीं पड़ी राजा प्रथम से पंजाबी ने तोप चलवा दी अब तलवार ने की पेश पड़ी ना एकदम तोप नहीं चलवाए आलम में तेज आगरे पारी गोला मन पक्के को खाए भैया मर गए 60,000 ये रन खेतन जो हर है गए तरवार सोना टेक के सिट में देखो भैया ढोला को पर चार हरी राम गुजर कथकाता ऐसी विकट बजी तरवार ऐसी तलवारबाजी 60,000 आदमी फूल सिंह पंजाबी के खत्म हो गए। अच्छा 60,000 ठीक बात रही भाई। बड़े आदमी कहते आए हैं हाँ लखिया बन के से हाथी ना पामे काबुल के से घोड़ा ना पामे बीकानेर के से ऊंट ना पामे आहा मोहबे के से छत्री ना पामे नरबर के नर बच्चा नहीं पामे संकलदीप किसी पदमनी ना पामे और सोना टेक जैसी कैसी ना पामे ना पामे दुनिया में। सजनों बात तो यही है हकीकत तो देखिए फूल सिंह पंजाबी रण खेत छोड़ करके भाग गया। अच्छा और पहुंच गए अपने तबो अपनी बेटी के पास मर कह दिया किस्मत पर गए हेटी और आज बात गंगा पे बिगड़ गई चौदह विद्या जादू की पोथी दे दे मेरी शरबत बेटी। फूल सिंह पंजाबी अपनी बेटी के तंबू में पहुंच जाता है कहता है तलवार की पेश पर ना जादू की पोथी चाहिए जल्दी कर बेटा जादू की पोथी शरबत बेटी पैसे लाता है कौन फूल सिंह पंजाबी और आ जाता है महाराज प्रथम की सेना पे जहां नरवरगढ़ की सारी सेना खड़ी हुई थी। अच्छा तो वसी के मंत्र को उस इंद्रजाल की पोथी से मंत्र का आवाहन करता है एक ही झटका ऐसो चलाओ और 60,000 को दल पत्थर को बनाओ। फूल सिंह पंजाबी ने जादू से महाराज नरवरगढ़ नरेश की सेना पत्थर की कर दी। भाई बहुत खतरनाक छोरी हूं तो हाँ 60,000 वाके और 60 वाके 1,25,000 पे गाड़ी पहुंच गई। 1,25,000 आदमी एकदम कर दिया खत्म। मशीन ही खराब है ये तो सब इसमें से तो निकलती है ये गैस निकल रही है जो हाँ। अच्छा औरत ही है पतन की भट्टी रूस जाए तो मामला खराब कर ले। हाँ तो देखिए 60,000 की फौज में से 3 आदमी बचे वो कौन कौन लाखा पंडित ज्ञानी अच्छा राजा प्रथम और मंझा रानी 3 आदमी बचे। ये कैसे कैसे बचे भाई पंडित जी तो जो पत्थरन की लाश बनी ना बामन तो बड़े चतुर होते हैं ना हाँ लाशन के अंदर बड़ गए। अच्छा
और लासन में घुस के प्राण बचा लिए, और वो और राजा की और रानी की मसक बांध करके फूल सिंह पंजाबी कंपलगढ़ के लिए ले गए। ठीक बात सतलो। अब क्या होता है देखिए, कंपलगढ़ में ले जा करके 51 गढ़ के राजा उसकी जेल में पहले बंद थे, 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों में एक ही नरवरगढ़ का राजा रह रहा था। 51 गढ़ के राजाओं की बंदी तो उसने पहले कर रखी थी। अच्छा जी, कहने लगा आज तो 52 गढ़ के नरवर नरेश सम्राट भी आ गए हैं, आओ। मंझा रानी को बंदी हुई मस्क से रथ में छोड़ दिया और नरवर नरेश को खड़ा कर दिया दरबार में और सजा बोलने लगा है। क्या सजा बोलने लगा है? तुमने 52 गढ़ की राजधानी का राज चलाया है प्रथम, कभी कभी कंपलगढ़ नरेश का नाम नहीं सुना, जिसकी बेटी को तुमने ये अंसंट बोला, हम आज तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। 51 गढ़ के राजा मेरी जेल में पहले ही बंद थे, अरे बस आशा थी तो 52 गढ़ के राजा की, तो आ जा गए, साइलेंट हो जाओ। क्या सजा बोली है? क्या सजा बोली है? सुनो भैया, हरे दरबारन में भाई बई खड़ा कर लिया और ना रही तन में बाकी है, करिया जेल में बंद पीसने को हाथन दे दी जाकी। पंजाबी राजा ने नरवरगढ़ नरेश को और क्या चौकी की सजा दे दी। हाँ हाँ। नरवरगढ़ गया हो, नरवरगढ़ गया झूठ भूप के झूठे हरे दुसाले, जन हाथों से तलवार चलाता उनमें पड़ गए छाल, हाथों से तलवार चलाता उनमें पड़ गए छाले, हाथों से तलवार चलाता उनमें पड़ गए छाले। देखो जन हाथों से तलवार चलाते थे कौन? नरवरगढ़ नरेश महाराज प्रथम, और हाथों में कितने दिन की जिंदगानी नर, कितने दिन को मेला, कितने दिन की जिंदगानी नर, कितने दिन को मेला, नरवरगढ़ के राजा के जब दे दिया हाथ हथेला, हेरी तो सदा की हो, क्या जेल में बंद पीसने हाथन दे दी चाकी, हाथन दे दी चाकी, हाथन दे दी चाकी, आवाज चाकी, किया जेल में बंद पीसने हाथन दे दी चाकी, हाथन दे दी चाकी। राजा प्रथम को जेल के अंदर बंद कर दिया, चाकी की सजा दे दी, चाकी में बैठा दिया, चार जवान खड़े कर दिए, जब हाथ हथेला छूटे तुरंत बांस ऊपर से टूटे, ठाड़े कर दिए पहरेदार, जब चाकी डांटे राजा ऊपर से देव बांस की मार,
जब चाखी को रोके ऊपर से हरे बांस की मार लगनी चाहिए। ये गत कर दी। अरे जिन हाथों से तलवार चलाई हो वो हाथ चाखी पी सकते हैं, लेकिन मजबूरी का नाम कुछ और ही बताते हैं। और क्यों? मेरे सजनों, भयो चून में घोटम घोटा, सिर पे टोपी फकात लंगोटा, मार रहो चाखी ते मल्हे, दोसु करे चून के गल्ले। देखिए सजनों, राया प्रथम को चाखी की सजा देकर के फूल सिंह पंजाबी ने दरबार बंद किया। आहा। और आ जाता है जहां रथ में रानी मंझा बैठी थी। अच्छा जी। और रथ के पर्दे को हटाकर पहिए पे पांव रख करके खड़ा होगा, पर्दा उठाया, मंझा रानी का रूप देखा और मंझा रानी के रूप को देख करके दिमाग खराब हो गया। कैसे हुआ? दिमाग चैलेंज हो गया, बदल गया दिमाग। कैसे बदला? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मंझा है। मंझा, तो सुन, तूने एक चौपाई नहीं सुनी? कौन सी चौपाई है? के मौसम पुरुष न तो सम नारी, और यह संयोग विध रचा बिचारी, मेरे समान संसार में कोई पुरुष नहीं है, मर्द नहीं है, और तेरे समान संसार में कोई नारी नहीं है। ये कैसे है भाई? ये चौपाई तो लक्ष्मण और राम और सुरपन खा की है। अच्छा, लेकिन पंजाबी कहता है। क्या कहने लगा? मो से कोई बलमान न पावे, धर के वजन तराजू में तोलो। मोते कोई बलमान न पावे, धर के वजन तराजू में तोलो, और प्रेमी कब हो ना प्रेम विसारे, प्रेम करो और मुखते बोलो। अरे शर्म करे से क्या मिलेगा, पत्नी को कहा पतते बोलो, खड़े खड़े पाप पैर दुख गए, मंझा रानी कुछ मुख से बोलो। अरे तेरे पर्दा खोल हटाए, घूंघट को हटा दे। अच्छा है? फिर क्या बोला है पंजाबी, जरा सुनिए गौर से भैया। क्या बोला? फिर मार गया, मार गया। क्या मार गया? मारे गया रे। अच्छा, तेरे घूंघट का फटकारा गोरी मार गया रे। चले चाल एठलाती भाई, और देखे धड़ कैसे हमारी छाती, अरे हा धड़ कैसे हमारी छाती, ऐसा मारा तीर नौ, मारा तीर जिगर में गोरी पार गया रे। तीर जिगर में गोरी, मारा तीर जिगर में गोरी पार गया रे। तेरे घूंघट का फटकारा गोरी मार गया रे। अरे वैसे तो दुनिया गाती, अरे हरी राम सोना टेक का साथी, ए हरी राम सोना टेक का साथी, और सोना टेक में ढोला, सोना टेक में ढोला हमारा पार गया रे। सोना टेक में ढोला देखो मेरा पार गया रे। तेरे घूंघट का फटका रहा गोरी मार गया रे।
मंजा के रूप को देख करके भोल सिंह पंजाबी ने कह दिया तेरे घूंघट का फटकारा गोरी मार गया रे। रानी मंजा बोली रे बेअकल राजा विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों बुद्धि विपरीत हो गई है विनाश की ओर भाग रहा है। सर्प के मुंह में उंगली दे रहा है बिच्छू के डंक पे हाथ धर रहा है। अच्छा पुड़ों की छान पे होड़ा कर रहा है कुरारी चालनी में दूध काट रहा है कुल्हाड़ी से कपड़े धो रहा है। आहा और एक पतिव्रता औरत को छेड़ करके विनाश की ओर भाग रहा है। अच्छा एक बात और कह दी। क्या है कौन सी बात कही। मारो जाएगो धोखे में कायदी ने मारो जाएगो धोखे में मत तक पराई नारे नहीं मारो जाएगो धोखे में मत तक पराई नारे नहीं मारो जाएगो धोखे में मत तक पराई नारे नहीं मारो जाएगो धोखे में मारो जाएगो धोखे में तू मारो जाएगो धोखे में नहीं मारो जाएगो धोखे में क्यों मारो जाएगो भाई क्यों मारो जाएगो। कह रही रामायण गीताए रामायण गीताए कह रही रामायण गीताए कह रही रामायण गीताए रावण हर के ले गयो सीता है लंका कर दई पनिया धार अरे अरे धार लंका कर दई पनिया धार नहीं मारो जाएगो धोखे में मत तक पराई नारे नहीं मारो जाएगो धोखे में मत तक पराई नारे नहीं मारो जाएगो धोखे में मारो जाएगो धोखे में मारो जाएगो धोखे में मारो जाएगो धोखे में की बुझी कटारी है भैया देखो ई पर नारी है विष की बुझी कटारी है हरिदम है जाएगी आरंबार 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 तो जाएगो धोखे में तक पराई नारे नहीं मारो जाएगो धोखे में दोस्तों मंझा बहुत समझा रही है लेकिन हमारे सोना टेक कैसेट के मालिक साहब भाई हंसराज जी बार बार हमें समझाते हैं हरिराम ये दुनिया है क्या। मैंने कहा भाई साहब मैं मुझे भी 32 साल हो गए गाते समझ नहीं पाया दुनिया क्या है। आहा है दुनिया क्या हो दुनिया क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों लोग जानते हैं ये जहर है लेकिन हंस हंस के पी रहे हैं और फिर जहर पी पी के जी रहे हैं इसमें क्या कारण है भाई। देखो लोग कहते हैं औरतों में ज्ञान नहीं होता लेकिन कौन उल्लू कहता है औरतों में ज्ञान नहीं होता। अच्छा जी फटो जात रानी को हियो और मर्द को ज्ञान औरत ने दियो। फूल सिंह पंजाबी के लिए आज वो रानी मंझा ज्ञान दे रही है। क्या ज्ञान दे रही है। अरे बेवकूफ राजा राजाओं को ये कर्म कर्तव्य नहीं होते एक पराई औरत का सम्मान करते हैं भारत देश पर नारियों का सम्मान होता आया है। तेरा सबने किया सम्मान भारत की नारी और तेरे आगे झुके भगवान भारत की नारी अरे देवताओं को भी छोटे छोटे बालक बना दिया था। ठीक बात माता अनुसुईया का चरित्र नहीं पड़ा और आज रानी मंजा समझा रही है
जो अच्छे राजा होते हैं वो कभी पराई औरतों से अशब्द नहीं बोला करते, सम्मान किया करते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं ये पता चले उनका अंजाम क्या होता है। क्या होता है, है? क्या अंजाम होता है उनका? तू ना है राजा तो कौन है? पटक पोदना। पटक पोदना क्या हो? ये राजस्थान का शब्द है। अच्छा, पटक पोदना एक इतना बड़ा पक्षी होता है भाई साहब, जिसको पग पंछी कहते हैं, जिसको बया भी कहते हैं। अच्छा अच्छा, वो इतना बड़ा पक्षी होता है, वो इतने इतने से पाम रहे हैं वाके आलपिन जैसे। हाँ, अपने घोंसले में जब बैठता है आ? तो ऊपर को पैर करके सोता है वो। क्यों? इसलिए हाँ, पक्षी तो इतना बड़ा है, पैर उसके आलपिन जैसे है, लेकिन उसका घमंड इतना है कि अगर तू सो गया और ये आकाश गिर गया तो दुनिया दबके मर जाएगी। अच्छा, इसलिए पैरों को ऊपर करके सोता है, अगर मैं सो भी गया और बादल गिरेगा तो हमारे पैरों पर डटा रहेगा। ठीक बात भाई। अरे उल्लू ये नहीं सोचता तेरे इतने इतने बड़े पैर हैं। भाई देखो, भारी द्रव्य पेड़ जो गहरो, पग पंछी घिसवा धरो, पटक पोदना नाम, वो उस पक्षी का नाम है पटक पोदना। अच्छा, पटक पोदना नाम, सोवे अपनी नींद में करू ऊपर को पाम, कर ऊपर को पाम नहीं हूं किसी से घाटू, और अंबर गिर जाए तो दो घंटा पैरों पे ढाटू ढाटू, दो घंटा पैरों पर रोक, इतने दुनिया भग जाएगी। दुनिया कहां भग जाएगी? अरे उल्लू के पट्टे, जब आकाश गिरेगा तो दुनिया कहां भग जाएगी? लेकिन वो पग पंछी समुद्र से कहता है, क्या अगर साले तेरी मेरी लड़ाई हो जाने तो चौंचों में भर के, चौंच में भर भर के साले को बिहार में फेंके हम। अरे बिहार के धरती से बाहर है का? लेकिन घमंड बहुत तगड़ा उसके लिए। तो रानी मंजा कह रही है तू राजा नहीं, तू एक बहुत छोटा पक्षी है पटक फोदना जैसा, तेरी बुद्धि भी इतनी है। ठीक नहीं सुन, आज रानी मंजा ज्ञान दे रही है उसको। क्या ज्ञान दे रही है? और सुनाते कैसे सुनने वाले हमारे बहन भाइयों, मैं अपनी ढोला की ओर से आपको भी ज्ञान देना चाहता हूं। जो संसार में ऐसे कामी पुरुष हैं, जो अनाचार्य कार्य करते हैं, जो वेद के विरुद्ध नीति के विरुद्ध कार्य करते हैं, यानी जो पुरुष इस संभोग क्रिया को अलग करते हैं, उसको आठ नुकसान होते हैं। आठ नुकसान कौन कौन से? मंझा समझा रही है उस पंजाबी राजा को, जो मर्द ऐसा करते हैं उनको आठ नुकसान होते हैं। आठ नुकसान कौन कौन से हैं? गिन के बताऊं? बिल्कुल, बजा केरवा बेटे। राजू भाई साहब, बिल्लू भैया, आप गिनना आठ नुकसान कौन से हैं, ये तुमको भी फायदा देगा। ये आकार जो बढ़ रहा है ना, ये घट जाएगा। काया में से चाम जाए, शरीर घटेगा बढ़ेगा नहीं? ये बात सही है। आठ नुकसान कौन कौन से? काया में से चाम जाए, हित में से बाम जाए, जेब में से दाम जाए, रूप जाए अंग से। अच्छा, कितने नुकसान हो गए? चार। जो मर्द दूसरी ओर से संभोग क्रिया करते हैं उनको आठ नुकसान हुआ करते हैं। आपके बताइए, काया में से शरीर घटेगा बढ़ेगा नहीं? हाँ बिल्कुल। हित में से बाम जाए, बाम कहते हैं औरत को। अच्छा, अपने हित से अपनी औरत दूर हो जाती है। ठीक। जेब में से दाम जाए, बिना रुपए थोड़ी चलेगा जुगाड़, ना चले और चल भी जाए। रूप जाए अंग से, शरीर का जो चमन है, जो शरीर का राजा है, उसको अगर वृथा फेंक दोगे तो आपके शरीर में ताकत और आपका रूप, आपके चेहरे पे चमकने वाले कण खत्म हो जाएंगे। रूप जाए अंग से, और अच्छो कर्म जाए, अच्छा कर्म क्रिया तो चला ही जाएगा बदनीति से। बिल्कुल। अच्छो कर्म जाए, बिरादरी की शर्म जाए, सारी बिरादरी में बदनाम हो जाएगा, फलाने का लड़का बेवकूफ आवारा है। अच्छो कर्म जाए, बिरादरी की शर्म जाए, और अरे अपनो सब धर्म जाए, परत्रिया प्रसंग से। कितने हो गए? सात। सात हो गए। हाँ, आठवें को नहीं बताऊं? बिल्कुल बताना पड़ेगा भाई, हंसराज जी लड़ेंगे नहीं तो। नहीं, वो मुख्य बात है जो तो रही, बताना पड़ेगा। हाँ, आठवां नुकसान कौन सा होता है बेटे? कौन सा है? अबे तू सुन ले साले, ओए नंगाड़ा, सुन ले, तू चावल कर ले। आठवां नुकसान कौन सा होता है? कौन सा है? हरे जो नरियंस दूसरी के दारे,
हो जो नर नीत दूसरी पे डारे वो नर दोनों कूढ़ा हारे। अरे वो सीधो ही स्वर्ग से धार है। शाबाश, क्या बात है? क्यों, तुम तो बड़े अच्छे प्रवक्ता हो भाई। हम अरे बेवकूफ गमार, हम तेरे से ये कह रहे, सुना नहीं तूने क्या? जो गायक लोग होते हैं ये भगवान भक्ति का प्रचार करने वाले प्रवक्ता होते हैं। बिल्कुल है? बिल्कुल। तो गाने वाले को चाहे अपनी स्टेज हो, चाहे मंच का प्रोग्राम हो, चाहे कथा का प्रोग्राम हो, चाहे कीर्तन का प्रोग्राम हो, चाहे भक्ति भाव का प्रोग्राम हो, चाहे कैसेट का प्रोग्राम हो, चाहे फिल्म का प्रोग्राम हो, कुछ भी का हो, गायक को हर हमेशा वो शब्द निकालने चाहिए, वो वचन निकालने चाहिए जिनसे हमारा देश का सुधार हो, हमारी समाज का सुधार हो और हमारे देश से, हमारी समाज से कुरीतियां दूर हो। ऐसी बात अपनी जवान से निकालनी चाहिए। ये गायक और सिंगर का पहला धर्म है। हम कह रहे हैं जो कोई अंश दूसरी जगह डारे वो दोनों कूढ़ा हारे, तन भी और धन भी। हम इस बात को कह रहे हैं जो नर नीत दूसरी पे डारे वो सीधो ही स्वर्ग से धारे। अबे उल्लू एक बात बताओ, स्वर्ग में जाएगा? हाँ, ये सर समझने का फेर है। गलत, एक चौपाई नहीं पढ़ी तूने। कौन सी? इसलिए क्या क्या नहीं पढ़ा हमने? समझने का फेर है इसमें। हमने क्या ना समझा कि भजन करंता नरक परंता इंद्री जीत कसाई। सुन लियो गहराई थी। अच्छा, तेरा कहने का मतलब है कि रावण ने पर नारी का हरण किया, मुक्ति हो गई। हाँ, बात तो ठीक है यार, तू समझदार तो कुछ भाई है। भजन करंता नरक परंता इंद्री जीत कसाई। चौपाइयों को मत पढ़े, वैसे रहने दे, पिट जाएगा। तो देखो मेरे सजनों, अधरानी मंजा जब कहती है, लेकिन एक बात याद रखना मेरे सजनों, सोनाटा कैसेट पर ढोला की फिल्म देखने वाले दोस्तों, एक चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने। क्या उस चौपाई में लिखा है, जरा गौर से सुनेंगे। सेवक सुख चहे माने भिखारी, व्यसनी धन सुभुगत विभुचा। मेरे दोस्तों, सोनाटे कैसेट पर हमारे ढोला की फिल्म देखने वालों, भाइयों बहनों, हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपके बीच में, आपकी सेवा में हमने ये 8 ढोला की फिल्म, 9 ढोला की फिल्म आपकी सेवा में भेजी है। रानी मंझा का वनवास, राजा नल का जन्म, गजमोतनी का विवाह, दानमगढ़ की लड़ाई, नल की कथा, ढोल कुमार का विवाह, राजा नल का भात, मारू का हरण और ये फूल सिंह पंजाबी की लड़ाई, गढ़ गंगा का स्नान और आने वाले प्रोग्राम श्रवण कुमार की कथा और हमारे राजस्थान के बड़े महान संत हुए महाराजा भर्तहरि जल की कथा फिल्म हम आपकी सेवा में भेज रहे हैं। नाग बना दूल्हे हरिराम गुजर आपका अभिनंदन करता है। देखने वाले, सुनने वाले श्रोता, अगर हमारी बात में कोई कमी आपको मिले, आप हमारे पास में सोचना करें, उस कमी का हम मिटाने की कोशिश करेंगे। देखिए, रानी मंजा को राजा प्रथम को जेल में डाल दिया, रानी मंजा को अपने महल पे काग उड़ाने के लिए खड़ा कर दिया। मेरे सजनों, आपकी मांग होगी तो हम इससे अगला भाग पेश जब ही करेंगे और नौ ढोला की कथा हमने आपकी सेवा में भेजी है। धन्यवाद। राम भजो, राम भजो, राम भजो, राम भजो।
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे सीताराम सीताराम कहिए जय विदराख राम ताई विद रहिए ताई विद राम सीताराम कहिए जय विदराख राम ताई विद रहिए सीताराम 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 कहिए जय विदराख राम ताई विद